नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता बदरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अलग तरीके का फेस पैक लेकर आई हूं, और वो फेस पैक आप यूज करेंगे तो आपका चेहरा एकदम से चमकदार हो जाएगा। जो सांवले लोग हैं वो तो और गोरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बाउल लूँगी। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच बेसन डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच बेसन और डाल देंगे, तो इसमें कुल मिला के पूरा बेसन हो गया 1.5 चम्मच। तो ये देखिए, आधा चम्मच मैंने और डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों 1.5 चम्मच बेसन ले लिया है। तो दोस्तों, बेसन लगाने से हमारे चेहरे को ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी त्वचा की दाग धब्बे, झाइयाँ, और त्वचा का जो लूजपन होता है, यानी त्वचा हमारी ढीली पड़ जाती है, उसमें टाइटपन लाता है। तो आप इस तरीके से इसमें आप बेसन यूज कीजिएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। तो दोस्तों, यहाँ पे हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आप ज़्यादा ना डालें। ज़्यादा आप हल्दी पाउडर डाल लेंगी तो फिर आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, तो इसलिए हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही यूज करें। तो दोस्तों, हल्दी हमारी बॉडी के लिए अच्छी मानी गई है, और हल्दी हमारे स्किन को वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए, अब इसमें मैं डाल लेती हूँ गुलाब जल, यानी कि यहाँ पे मैं रोज़ वाटर यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 चम्मच रोज़ वाटर ले लिया है। तो ये देखिए, अब इसको आप लेकर के इसके मिक्स कर दीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और यूज कर लें, यानी हमें पूरा पेस्ट गुलाब जल से बनाना है, दूसरा आइटम कुछ नहीं डालना है इसमें। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम गुलाब जल और ले लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा पेस्ट को, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और दोस्तों, आप इस पेस्ट को, यानी कि इस फेस पैक को आप यूज करेंगे, अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, तो आप खुद देखेंगे आपका चेहरा कितना दमकता हुआ गोरा बिल्कुल निकल आएगा। तो दोस्तों, आप इस पेस्ट को जब लगाएंगे तो आपके चेहरे के, आप इसको मतलब इस पेस्ट को आप 3-4 बार यूज करेंगे तो आपके चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ हल्की पड़ने लगेंगी। फिर आपके धीरे धीरे जब इस पेस्ट को आप यूज करते जाएंगे तो आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए, मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से आपको अपने चेहरे पर इस पेस्ट को अप्लाई करना है। मैं अपने हाथों में लगा के दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप लगा लें पूरे फेस पर इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने, आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश से लगा लें, अदरवाइज अगर आप अगर स्पून से आपको मदद, जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे आपको समझ में, तो आप ऐसे लगा लें। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, मैंने पूरा फेस पैक लगा लिया अपने हाथों पे आपको दिखाने के लिए। और आपको इस पेस्ट को, यानी इस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाना है। अब दोस्तों, इसको लगा करके हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद, जब ये आप घड़ी देख के 15 मिनट इसको छोड़ दें, और 15 मिनट बाद आप इसको पानी से धो लें, यानी कि सादा पानी से धो लें, ठंडा पानी नहीं चाहिए, सादा पानी, नॉर्मल पानी हो उसको, उससे आप धो लें। और दोस्तों, 15 मिनट बाद ये फेस पैक आपका सूख जाएगा, तो आप इसे धो डालें। और दोस्तों, तब आप देखेंगे अपने चेहरे की शाइनिंग। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे 15 मिनट हो चुके थे, इसलिए मैंने सादा पानी से हाथ अपने धो लिए हैं। इसी तरीके से आप अपने चेहरे को धो लें, आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग कितनी है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया अपने हाथों पे, मेरा हाथ काफ़ी चमकने लगा है, शाइनिंग भी है इसमें। तो चलिए दोस्तों, आप इस फेस पैक को एक बार ट्राई कीजिएगा, अपने चेहरे पे अप्लाई करके आप यूज कीजिएगा, तो आप खुद देखेंगे कि ये फेस पैक कितना अच्छा और कितना चेहरे पे ग्लोइंग लाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।